हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका उस चैनल में जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की 10 बॉलीवुड न्यूज का काउंटडाउन। कपिल शर्मा के शो पर फिर से पहुंचे एक्टर अक्षय कुमार, किया अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का प्रमोशन। जी हां, एक बार फिर अक्षय कुमार द कपिल शर्मा शो पर नजर आने वाले हैं अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के प्रमोशन के लिए, और इस दौरान उनके साथ कियारा आडवाणी और ट्रांसजेंडर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी पहुंची, जिसको लेकर कपिल शर्मा ने ट्वीट किया, इतने लंबे समय के बाद शूट के दौरान प्यार और मजे के लिए धन्यवाद पाजी, आपने हमेशा की तरह आग लगा दी। और कपिल के इस ट्वीट पर फिर अक्षय ने जवाब देते हुए लिखा, मुझे लगता है कि अब मेरी फिल्म के प्रमोशन आपके शो के बिना अधूरे हैं, या तो ये आप हैं या आप मेरी सभी फिल्म की मार्केटिंग टीम को घूस देते हैं, लेकिन एक मजेदार दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं। DDLG के 25 साल पूरे होने पर शाहरुख खान और काजोल ने खास तरीके से मनाया जश्न। जी हाँ, शाहरुख खान और काजोल की एवरग्रीन फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने 25 साल आज पूरे कर लिए हैं, और इस खुशी के मौके पर सभी काफी एक्साइटेड नजर आए। और आपको बता दें कि फिल्म के 25 साल पूरे होने पर शाहरुख और काजोल ने अपने ट्विटर हैंडल पर नाम बदल दिया। शाहरुख ने अपने ट्विटर का नाम राज मल्होत्रा रख लिया और काजोल ने सिमरन। दोनों ने ही फिल्म से जुड़ा एक मोन्टाज भी शेयर किया है। काजोल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राज और सिमरन दो लोग, एक फिल्म, 25 साल और अभी भी बेशुमार प्यार मिल रहा है। वहीं शाहरुख ने लिखा, 25 साल राज और सिमरन से प्यार करने के लिए आपका पूरे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सिंगर रोहन प्रीत के साथ कोर्ट मैरिज करेंगी नेहा कक्कड़। जी हाँ, नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की शादी के बस चंद दिन ही बाकी हैं। खबर है कि दोनों 24 अक्टूबर को शादी के बंधन में बंधेंगे, और अब ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि दोनों अपनी शादी के दो दिन पहले यानी 22 अक्टूबर को दिल्ली में रजिस्टर मैरिज करेंगे, और इस मौके पर दोनों के ही घर वाले मौजूद रहेंगे। हालांकि इसे लेकर अभी कोई कन्फर्मेशन सामने नहीं आई है। कैंसर से जूझ रहे संजू बाबा की हेल्थ पर आई बड़ी अपडेट। जी हां, संजय दत्त कैंसर से जूझ रहे हैं और अब खबर है कि उन पर इलाज का अच्छा असर हो रहा है, और उनके परिवार के एक सदस्य ने ये जानकारी देते हुए बताया, इस प्रकार की खबर थी कि उनका जीवन 6 महीने ही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। उनको एक प्रकार के फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित होने का पता चला था, जिसके लिए मुंबई में इलाज शुरू कर दिया गया और उन पर इलाज का अच्छा असर हो रहा है। आखिरकार कॉमेडियन कपिल शर्मा ने तोड़ी अपनी चुप्पी, भीष्म पितामह यानी एक्टर मुकेश खन्ना को दिया मुंह तोड़ जवाब। आपको बता दें कि हाल ही में महाभारत की पूरी टीम कपिल शर्मा के शो में पहुंची थी, लेकिन मुकेश खन्ना वहां गायब रहे, जिसके बाद मुकेश खन्ना ने द कपिल शर्मा शो को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने शो को अश्लील करार दिया था, और अब कपिल ने फाइनली इस बात पर रिएक्ट करते हुए कहा है, जब दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही हो तो लोगों को हंसाना और भी जरूरी हो जाता है। ये हर इंसान पर निर्भर करता है कि आपको किस बात में खुशी ढूंढनी है और किस बात में कमी। मैंने खुशी को चुना और मैं अपने काम पर फोकस करता रहूंगा। शाहरुख खान की फिल्म डॉन के पूरे हुए 14 साल डायरेक्टर फरहान अख्तर ने किया एक खास ट्वीट। फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनी फिल्म डॉन ने आज अपनी रिलीज के 14 साल पूरे कर लिए हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, बमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओम पुरी जैसे स्टार्स थे। ये फिल्म 20 अक्टूबर 2006 को रिलीज हुई थी, और फिल्म के 14 साल पूरे होने पर मेकर्स ने इसका जश्न मनाते हुए ये ट्वीट किया, डॉन को याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉन को भूल जाना नामुमकिन है। #14yearsofdawn। SS राजामौली की मच अवेटेड फिल्म RRR को लेकर सामने आ रही है बड़ी अपडेट। जी हाँ, RRR के इंतजार में बैठे फैंस के लिए बेहद अच्छी खबर है। हाल ही में RRR की टीम ने ऐलान किया है कि फिल्म स्टार जूनियर NTR का लुक जल्द ही रिलीज होने वाला है। आपको बता दें कि निर्माता निर्देशक इससे पहले ही फिल्म के दूसरे लीड एक्टर रामचरण का फर्स्ट लुक रिलीज कर चुके हैं, लेकिन जूनियर NTR के लुक से अभी तक पर्दा नहीं उठाया है। लेकिन अब मेकर्स ने ताजा ट्वीट कर इन्फॉर्मेशन दी है कि वो दो दिन बाद फिल्म स्टार जूनियर NTR का लुक भी रिवील करने वाले हैं। आपको बता दें कि जूनियर NTR का लुक 22 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है और ये सुबह 11 बजे रिलीज किया जाएगा। प्रभास के जन्मदिन पर अब US के थिएटर्स में दस्तक देगी बाहुबली 2। जी हाँ, भारतीय सिनेमा की सबसे हिट फिल्म बाहुबली के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय फिल्म इतिहास की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल ये फिल्म अमेरिका में भी अब अपना परचम लहराने को तैयार है। इस हफ्ते फिल्म अमेरिका के थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। बाहुबली सीरीज का दूसरा पार्ट बाहुबली द कंक्लूजन एक्टर प्रभास के बर्थडे यानी 23 अक्टूबर को अमेरिका में रिलीज हो रही है।
एक्ट्रेस नोरा फतेही का नया सॉन्ग नाच मेरी रानी हुआ रिलीज। जी हाँ, पंजाबी पॉप सिंगर गुरु रंधावा और निकिता गांधी का गाना नाच मेरी रानी रिलीज हो गया है। इस गाने को डांसिंग क्वीन नोरा फतेही पर पिक्चराइज किया गया है। नाच मेरी रानी को तनिष्क बागची ने लिखा है और वीडियो में नोरा का डांस देखने लायक है। लोग इस सॉन्ग को और नोरा के अमेजिंग डांस को बेहद पसंद कर रहे हैं। लक्ष्मी बॉम्ब पर छिड़ी कंट्रोवर्सी पर अब फाइनली फिल्म के डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने तोड़ी है अपनी चुप्पी। दरअसल हाल ही में फिल्म में लव जिहाद का कॉन्सेप्ट दिखाने पर लोगों का गुस्सा इस फिल्म पर फूटा था और अब इस पर राघव ने कहा है, मैं एक ट्रस्ट चलाता हूं और कुछ ट्रांसजेंडर्स ने मदद के लिए मेरे ट्रस्ट से संपर्क किया। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे लगा कि मुझे उनकी कहानी हर किसी को बतानी चाहिए, पहले कंचना के चरित्र के माध्यम से और अब इस फिल्म में लक्ष्मी के साथ। फिल्म देखने के बाद दर्शकों को पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने पहली बार हॉरर कॉमेडी शैली में ट्रांसजेंडर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश को शामिल करने की कोशिश की है। पात्र को इस तरह लिखा जाता है कि दर्शक स्क्रीन पर किरदारों के विभिन्न रूपों का आनंद ले सके। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।